सुपर फिक चैंपियन ट्रॉफी जो दुबई में खेला जा रहा है शारजाह स्टेडियम में दोस्तों, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मुकाबला हुआ। तो दोस्तों इंडिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का डिसाइड किया और गेंदबाजी तो अच्छी हुई थी दोस्तों, और 79 रन तक ही रोक पाया था पाकिस्तान के टीम में दोस्तों। हालांकि टैप बॉल काफ़ी डिफरेंट क्रिकेट है टेनिस बॉल से दोस्तों, पर ऐसा लग रहा था जिस तरह बंटी पटेल इतने मैचों में जो फॉर्म में थे, ऐसा लग रहा था कि कृष्णा सातपुते भी चलेंगे तो बंटी को काफ़ी आसानी होंगी और मैच जीतने में। तो 79 रनों का लक्ष्य पार करने के लिए उतरी थी टीम इंडिया दोस्तों, पर दोस्तों शुरुआत में आए हुए कृष्णा गवली और कृष्णा सातपुते ने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया और काफ़ी बोल टू बोल रन शुरू थे दोस्तों। उसके बाद में बंटी पटेल भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और दोस्तों पूरे 6 ओवर में सिर्फ एक ही सिक्स मार पाए टीम इंडिया, और बंटी पटेल ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं दोस्तों, और 6 ओवर में दोस्तों इंडिया ने सिर्फ 37 रन बनाए। काफ़ी बुरी हाल देखने मिली थी इंडिया की दोस्तों। हालांकि डिफरेंट क्रिकेट है टैप बॉल, ये मैच हारने के बाद टीम इंडिया पूरी तरह इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी प्लेयर को गलत ना बोलिए, क्योंकि दोस्तों टैप बॉल हमारे भारत में ज़्यादा तो खेला नहीं जाता है, ज़्यादा तो टेनिस बॉल खेला जाता है दोस्तों, और पाकिस्तान में ज़्यादातर टैप बॉल ही खेला जाता है दोस्तों। तो सभी अलग अलग डिफरेंट है दोस्तों, जैसे कि टेनिस क्रिकेट में कृष्णा सातपुते एक किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट है, वैसे ही पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे बॉलर्स अच्छे अच्छे बैट्समैन है टैप बॉल में दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी टीम के बारे में गलत ना बोलिए और सभी क्रिकेटर को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छी लगी रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।